नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यश गुरु ऐप के ऊपर जो अमृत टेस्ट सीरीज है वो सब लोग पूछ रहे थे किस फॉर्मेट में है, तो देख लीजिए इस फॉर्मेट में है ये जो टेस्ट सीरीज है वो। ये टेस्ट 68 है, ये प्रमुख व्यक्तित्व 67, प्रमुख व्यक्तित्व 66, प्रमुख व्यक्तित्व यानी एक भी लाइन है वो छोड़ी नहीं है प्रश्न बनाने से। इस तरीके से इसके अंदर टेस्ट है, 75 टेस्ट है अमृत टेस्ट सीरीज के अंदर। नीचे इस तरीके से डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया गया है, यानी ऊपर तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के उनको पढ़ भी सकते हैं। जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप अमृत जो टेस्ट सीरीज है इसको और जो अभ्यास टेस्ट सीरीज है इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब अपनी आज की क्लास। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन पढ़ेंगे आईसीटी में कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इससे पहले दो वीडियो आ चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देखें। मैं जो मेन मेन चीज़ होती है वही बता कर जाता हूँ, ज़्यादा डीप अपन नहीं जाते हैं इसके अंदर। तो देखिए, कंप्यूटर की अब तक है 4 पीढ़ियाँ आ चुकी है। डायरेक्ट पर्सन पूछ सकता है कि कंप्यूटर की अब तक कितनी पीढ़ियाँ आ चुकी है, 4। अगर पढ़ा ही नहीं है तो कैसे अपन सही करेंगे। वर्तमान में जो चल रही है वो 5वीं पीढ़ी है, ठीक है। तो देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की यदि बात करें तो इसका टाइम पीरियड था 1942 से लेकर 1955। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे ना, इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। किसका? वैक्यूम ट्यूब। तो ये नाम ध्यान रखना, वैक्यूम ट्यूब। इसका आकार क्या होता था? बड़ा होता था। आकार बड़ा होता था इस कारण इस समय के जो कंप्यूटर थे वो बड़े थे। क्या थे? बड़े थे। और इनकी कार्य करने की क्षमता क्या थी? धीमी थी। इनमें इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्डों का उपयोग करते थे और आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का उपयोग करते थे। मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा प्रचलित थी और इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे NEF और एडवेक। तो ये आपको दो ही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक तो वैक्यूम ट्यूब के कारण आकार बड़ा था, कार्य करने की क्षमता धीमी थी, और NEC और एडवेक ये दो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, दूसरी पीढ़ी की यदि बात करूं तो दूसरी पीढ़ी है, इसका टाइम पीरियड था 1955 से लेकर 1964 तक। अब जो दूसरी पीढ़ी थी ना, उस पीढ़ी की प्रमुख विशेषता क्या थी? ट्रांजिस्टर। तो देखिए, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टरों पर आधारित थे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो 1947 में बेल लेबोरेटरीज ने किया था। किसने? बेल रेब्रो लेब्रो रिट्रीज ने इसका आविष्कार किया था ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर क्या है? तो एक सॉलिड स्टेट युक्त है, ठीक है, युक्ति है, ये सॉलिड स्टेट युक्ति है जो अर्ध चालक धातु से बना होता है। ट्रांजिस्टर का वही कार्य था जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का था, यानी वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या लग गए? ट्रांजिस्टर लग गए। किंतु इनका आकार वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत छोटा था और ये अधिक विश्वसनीय तथा अपेक्षाकृत तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम थे। इनमें विद्युत की खपत भी बहुत कम होती थी। तो देखिए, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे ना, उनमें एक विशेष बात आ गई कि उनमें ट्रांजिस्टरों का प्रयोग होने लग गया। किसकी जगह? वैक्यूम ट्यूब की जगह। वैक्यूम ट्यूब बड़ी थी इसलिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बड़े थे, यहां ट्रांजिस्टरों के उपयोग के कारण ये कंप्यूटर क्या हो गए? छोटे हो गए। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है यहां पर। और दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ था? जो कंप्यूटर थे ना, उनकी कार्य करने की गति है वो थोड़ी बड़ी थी और यहाँ पर स्मृति यानी मेमोरी की तकनीक में भी क्या हुआ था? सुधार हुआ था। 1960 का दशक आया था ना, उसमें पूर्णतः ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित प्राथमिक मेमोरी उपलब्ध हो गई और द्वितीयक मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप या डिस्कों का प्रयोग प्रचलन में आ गया था, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की यदि बात करें तो IBM 70 सीरीज, IBM 1600 सीरीज, CDC 1600 आदि इस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी की यदि बात करें तो 1964 से लेकर 1975 तक का ये टाइम पीरियड रहता है। इसमें ट्रांजिस्टरों का स्थान एकीकृत परिपथ यानी IC ने ले लिया और IC की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी ट्रांजिस्टर का स्थान किसने ले लिया? एकीकृत परिपथ यानी
इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले लिया, जिसे आईसी कहा जाता है। आईसी है ये बहुत छोटी होती है आकार में, ये छोटा सा आयताकार चपटा टुकड़ा होता है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक तत्व तो निहित होते हैं। अपने छोटे से चपटे आकार के कारण ये चिप के नाम से अधिक लोकप्रिय हुई। आईसी के उपयोग से कंप्यूटरों का आकार और छोटा हो गया और गति क्या हो गई, तीव्र हो गई, मेमोरी बढ़ी तथा लागत में क्या आई, कमी आई, साथ ही इनकी विश्वसनीयता में भी विश्वसनीयता और अधिक बढ़ गई। इस काल में विकसित महत्वपूर्ण तो कंप्यूटर IBM 360, LCL 1900, वेक्स 750। तो ये तीसरी पीढ़ी की विशेषता क्या, इसमें आईसी आ गई। आईसी के कारण कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया और कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ गई थी कंप्यूटर की। इस श्रेणी के कंप्यूटर IBM 360, LCL 1900, वेक्स 750 थे। फिर देखिए चतुर्थ पीढ़ी, ये देख लीजिए आईसी इस प्रकार की होती है। फिर देखिए चतुर्थ पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी की यदि बात करें अपन तो इसका टाइम पीरियड 1975 से लेकर 1989 था। देखिए जो चतुर्थ पीढ़ी थी इसमें इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी VLSI, तो ये ध्यान रखना VLSI चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता थी, यानी यहाँ पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा। इन परिपथों में एक इंच के चौथाई भाग में लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समाये होते हैं, अतः इन परिपथों को माइक्रोचिप कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, माइक्रोचिप। पहला माइक्रोचिप 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 तैयार किया। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर से युक्त कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। तो माइक्रो कंप्यूटर है ये चौथी पीढ़ी की विशेषता है। तो यहाँ पर चौथी पीढ़ी में आपको ध्यान में क्या रखना है, एक तो VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यहाँ प्रयोग होने लगा। इस सर्किट को क्या कहा जाने लगा, माइक्रोचिप कहा जाने लगा। और माइक्रोचिप 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन यानी इंटेल 4004 ने तैयार किया था। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है और माइक्रो प्रोसेसर से युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। तो ये चौथी पीढ़ी की विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए ये देख लीजिए, ये है VLSI, ठीक है। फिर देखिए माइक्रो कंप्यूटर, इस पीढ़ी के कंप्यूटर देख लीजिए, माइक्रो कंप्यूटर जिसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रॉम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये इस श्रेणी के कंप्यूटर हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये आगे से आगे जैसे जैसे नए प्रोसेसर आ रहे हैं तो आपको पता ही है कार्य करने की क्षमता तो बढ़ेगी, तो ये चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अब देखिए ये एक ध्यान रखना, अब टेबल पर रखे जाने लगे, ठीक है, यानी कंप्यूटर ऐसे बनने लगे थे कि उनको टेबल पर भी आप रख सकते हो। फिर देखिए पांचवीं पीढ़ी की यदि बात करें तो पांचवीं पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी है, यानी अब ये 1989 से वर्तमान में जो चल रही है वो है। ये कंप्यूटर अभी विकसित अवस्था में है, इनमें तर्क करने, सोचने, समझने, निर्णय लेने और बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। फिर देखिए कंप्यूटर का ब्लॉग रेखाचित्र एवं कार्यप्रणाली। तो देखिए एक कंप्यूटर होता है ना, वो एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है। सिस्टम के रूप में कैसे करता है, देखिए मॉनिटर है वो अलग पड़ा है, सीपीयू है वो अलग पड़ा है, मान के चलिए जो मतलब निर्गम युक्तियाँ होती है यानी आउटपुट युक्तियाँ होती है, जैसे स्पीकर है वो अलग पड़ा है, प्रिंटर है वो अलग पड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें अलग अलग पड़ी है। तो क्या ये कंप्यूटर है, नहीं है, लेकिन जब ये एक साथ जुड़ जाएंगे यानी एक सिस्टम बन जाएगा तो ये एक तंत्र बनेगा यानी तब ये काम करेगा, तो इसे ही कंप्यूटर तंत्र बोलते हैं। देखिए कंप्यूटर तंत्र है, इसके जो भाग हैं उनकी यदि बात करें तो कंप्यूटर तंत्र मुख्यतः तीन भागों से मिलकर बनता है या तीन इकाइयों से मिलकर बनता है, जिसमें सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, ये चीज़ें आती है। और चौथी यदि अपन देखें तो मेमोरी भी अपन ऐड कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर है उसके अंदर सिस्टम यूनिट होती है, इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है और मेमोरी होती है, यानी ये चार चीज़ें मिलकर के एक कंप्यूटर तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट की यदि बात करें तो यह कंप्यूटर का क्या है, मुख्य भाग है, जिसे केंद्रीय संसाधन इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU कहते हैं। CPU आपने देखा होगा,
और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। देखिए सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की कई अन्य युक्तियां यानी डिवाइस तथा परिपथ सर्किट लगे होते हैं जो एक मुख्य परिपथ यानी बोर्ड या मदरबोर्ड पर संयोजित रहते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर का अधिकतर परिपथ सिस्टम यूनिट में ही होता है। तो ये आपको सिस्टम यूनिट है, ये आपको ध्यान में आ गई। फिर देखिए इनपुट यूनिट की यदि बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में डाटा प्रोग्राम विवरणों की प्रविष्टियों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्तियां या डिवाइस इनपुट या आगम इकाई कहलाती है। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, फ्लॉपी डिस्क है, स्कैनर है, तो ये इनपुट डिवाइस है। यानी इनसे क्या होता है, कंप्यूटर में इनपुट होता है। माउस है तो माउस से भी आप जैसे उसके ऊपर क्लिक वगैरह करते हो तो वो इनपुट का काम करता है। फ्लॉपी डिस्क है, ये भी इनपुट का काम करती है। स्कैनर है, आप कोई भी जैसे फोटो स्कैन कर रहे हो तो वो उसके ऊपर आ जाती है, मॉनिटर के ऊपर आ जाती है, तो वो एक इनपुट डिवाइस है। तो ये इनपुट डिवाइस है, आगे इनमें पूरा इसमें समझाया जाएगा तो आगे अपन पूरा पढ़ेंगे। फिर देखिए निर्गम इकाई यानी आउटपुट। आउटपुट की यदि बात करें तो जैसे आप प्रिंटर है, कोई भी चीज़ आपको जैसे एडमिट कार्ड निकलवाना है आपको, मान के चलिए, तो आप कमांड दोगे उसको, कमांड देते ही प्रिंटर से प्रिंट दे देगा वो, तो प्रिंटर क्या हो गया, एक आउटपुट यूनिट हो गई। मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सामान्य आउटपुट डिवाइस हैं। देखिए कंप्यूटर सिस्टम से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने तथा उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रयुक्त करने वाली युक्तियाँ आउटपुट युक्तियाँ या निर्गम इकाई कहलाती है। तो इस सिंपल सा ऐसे प्रश्न बना सकता है, निम्न में से निर्गम इकाई है। तो निर्गम, आपने पहली बार नाम सुना है तो आपके तो यही समझ में नहीं आएगा निर्गम होता क्या है। निर्गम का मतलब आउटपुट। वहाँ चार ऑप्शन दे देगा, जैसे एक उसमें रख दिया उसने मॉनिटर, एक रख दिया मान के चलिए दूसरा जैसे क्वेश्चन बनाया उसमें प्रिंटर, तो प्रिंटर हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए इस तरीके से एक पूरे कंप्यूटर तंत्र का निर्माण होता है। देखिए ये है नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल यूनिट, और ये है अंकगणितीय तार्किक इकाई यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये है केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, इधर आउटपुट इकाई, ये इनपुट इकाई, मुख्य मेमोरी और द्वितीय संग्रहण इकाई रैम रोम। ठीक है, ये आगे पूरे डिटेल में यहाँ पर समझाया हुआ है, नीचे अपन देखते हैं। सबसे पहले देखिए केंद्रीय संसाधन इकाई यानी ये ऊपर वाली अपन पढ़ते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अथवा सीपीयू। इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं। यह निर्देशों का क्रियान्वयन करने के लिए उन्हें पढ़ता है, व्याख्या करता है, नियंत्रण करता है तथा संगणना करता है। वास्तव में कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं वो पहले सीपीयू में जाते हैं। किस में जाते हैं, सीपीयू में जाते हैं, और सीपीयू हमारे निर्देशानुसार निष्कर्ष मॉनिटर पर दिखाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि कंप्यूटर में यदि सीपीयू नहीं हो तो कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखिए, जिस तरह हमारा दिमाग हमारे समस्त शरीर पर नियंत्रण रखता है ठीक उसी प्रकार सीपीयू कंप्यूटर के शेष भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस आदि के कार्यों पर नियंत्रण रखता है और उनके कार्य करवाता है। प्रोग्राम और डाटा इसके नियंत्रण में मेमोरी में संग्रहित होते हैं, इसी के नियंत्रण में आउटपुट मॉनिटर के मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाई देता है तथा प्रिंटर के द्वारा कागज छपता है। सीपीयू लाखों करोड़ों गणनाएं व निर्णय सेकंडों में कर देता है। तो ये था सीपीयू। अब सीपीयू के कई भाग हैं, जैसे पहला है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, फिर है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अथवा अंकगणितीय तार्किक इकाई, फिर है मेमोरी यानी संग्रहण इकाई या स्टोरेज। अब देखिए आगे, अब यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आपके पूरी कहानी है वो समझ में आ जाएगी। देखिए माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। देखिए प्रश्न तो अपने यहीं से इस तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे मैंने येलो कर रखे हैं ना, इन चीज़ों से पूछे जाएंगे, पर एक बार आप अपने समझ में आना जरूरी है। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। अन्य बड़े कंप्यूटरों में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर से ही कंप्यूटर के कई कार्य संचालित होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना में निम्न भाग होते हैं, जैसे सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर रजिस्टर और आंतरिक बस यानी इंटरनल बस। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से पहले कंप्यूटर का परिपथ कई ट्रांजिस्टरों को संयोजित कर बनाया जाता था। कंप्यूटर को अधिक दक्ष, कार्य कुशल एवं उपयोगी बनाने के लिए इसके प्रोसेसर के परिपथ में ट्रांजिस्टरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती गई। इसे ट्रांजिस्टरों का परिपथ जटिल होता गया
और परिपथ में अधिक ताप उत्पन्न होने से इनके खराब होने की समस्या उत्पन्न होने लगी। अतः एक ऐसे पुर्जे की आवश्यकता हुई जिसने अनेक ट्रांजिस्टरों के तुल्य परिपथ हो। ऐसा पुर्जा माइक्रोप्रोसेसर कहलाता है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, यानी माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था, जो ट्रांजिस्टर थे उनका जो उनमें जो परिपथ वगैरह होते थे वो अधिक ताप उत्पन्न करने लगे, यानी गर्म होने लग गया था सिस्टम, इसलिए माइक्रोप्रोसेसर है इसका निर्माण हुआ। इससे कंप्यूटर को अधिक दक्ष और कार्यकुशल बनाया गया। ठीक है, फिर देखिए, सबसे पहला माइक्रोप्रोसेसर सन 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 के नाम से तैयार किया। ये कंप्यूटर की पीडी में भी अपन पढ़ कर आए थे, आपको ध्यान है तो। फिर देखिए, जिसमें लगभग 2300 ट्रांजिस्टरों के बराबर की क्षमता थी। माइक्रोप्रोसेसर लगभग आधे इंच का सिलिकॉन की धातु से निर्मित आयताकार टुकड़ा होता है, जो एक खोल में छोटे छोटे कनेक्टर्स के साथ व्यवस्थित रहता है या चिपका हुआ रहता है। चपटा होने के कारण इसे चिप भी कहते हैं। इंटेल 4004 चिप के बाद माइक्रोप्रोसेसर की तकनीक निरंतर विकसित होती गई और इनकी क्षमता व गति बढ़ती गई। वर्तमान में विभिन्न गति एवं गणन क्षमता वाले माइक्रोप्रोसेसर उपलब्ध हैं, जिन्हें इंटेल पेंटियम 4, कोर 2 ड्यू, i3, i5 और AMD आदि माइक्रोप्रोसेसर के नाम उल्लेखनीय है। तो ये हमें ध्यान नहीं रखना है, ये बस एक बार अपन को समझने के लिए अपन ने पढ़ा है। यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, ना ही ये यहाँ से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, ये बस प्रश्न पूछेगा ना, तो ये यहीं से पूछेगा, यहाँ से। इनको सिंपल वे में आपको बताऊं मैं तो, देखिए, जो नियंत्रण इकाई या कंट्रोल यूनिट है, ये क्या है? ये CPU की एक इकाई है। ठीक है, और ये सारी की सारी गतिविधियों को क्या करती है? नियंत्रित करती है, यानी निर्देश लेना, उनको कैसे प्रोसेस करना है, ये काम है कंट्रोल यूनिट का। जो अंक गणितीय वह तार्किक इकाई है, इसका काम क्या है? जितने भी प्रकार की गणितीय क्रियाएं होती है उनको करना काम है अंक गणितीय तार्किक इकाई का। फिर है मेमोरी अथवा संग्रहण इकाई। तो इसके अंतर्गत CPU रजिस्टर आता है। CPU रजिस्टर के अंदर जो कंप्यूटर में डाटा डाले जाते हैं, निर्देश डाले जाते हैं वर्तमान के अंदर, उनको क्या किया जाता है? अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। तो ये इतनी चीज आप इन तीनों में ध्यान रखना। चलिए अब आगे अपन पढ़ते हैं नियंत्रण इकाई। तो देखिए, CPU में कंट्रोल यूनिट बहुत अहम भूमिका निभाती है। नाम के अनुरूप यह कंप्यूटर की सूचनाओं के आदान प्रदान व कंप्यूटर के अन्य उपकरणों पर पूरा क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। यह मैं पहले ही बता दिया था। यह कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह मेमोरी से प्रोग्राम पढ़ती है, उनकी व्याख्या करती है तथा ALU व मेमोरी में वांछित क्रिया संपन्न करने में ये तदनुसार निर्देश देती है। यह ALU को बताती है कि डाटा मेमोरी में कहाँ स्थित है, ठीक है, क्या क्रिया करनी है तथा प्रक्रिया के पश्चात निष्कर्ष परिणाम कहाँ संग्रहित होना है। ये निर्देश विद्युत संकेतों के रूप में सिस्टम बस की नियंत्रक बस के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों में संचरित होते हैं। अनेक तारों का समूह क्या कहलाता है? बस कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखना, वो प्रश्न डायरेक्ट छोटा सा प्रश्न बना ले कि कंप्यूटर में अनेक तारों का समूह क्या कहलाता है। तो अब हमने कभी नहीं पढ़ रखा है तो हम तो गलत कर देंगे। तो कंप्यूटर में अनेक तारों का समूह क्या कहलाता है? बस कहलाता है। फिर देखिए, अंक गणितीय तार्किक इकाई यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। यह यूनिट अंक गणितीय क्रियाओं तथा तार्किक क्रियाओं यानी लॉजिकल ऑपरेशंस करती है। अंक गणितीय क्रियाओं में जोड़, बाकी, गुणा, भाग सम्मिलित है। ALU एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो अंक गणितीय गणनाएं करने में सक्षम होता है। तार्किक क्रियाओं में ALU दो संख्याओं या डाटा की तुलना कर निर्णय लेने का कार्य करता है। तुलना के परिणाम हाँ अथवा नहीं में होते हैं, जिससे निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
ALU कंट्रोल यूनिट की निगरानी में कार्य करता है। तो ये ध्यान रखना, ALU है ये किसकी निगरानी में क्या कार्य करता है, CU के ऊपर भी अपन ने पढ़ा था। यह मेमोरी में डाटा प्राप्त करता है, उन पर गणनाएं करता है और पुनः मेमोरी को लौटा देता है। ALU के कार्य करने की गति अधिक तीव्र होती है, यह लगभग 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड की गति से करता है। ALU में रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं जो गणनाओं के दौरान क्षणिक संग्रहण हेतु मेमोरी का कार्य करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना रजिस्टर के बारे में, यानी एक अस्थाई मेमोरी के रूप में कार्य करता है रजिस्टर, और रजिस्टर के साथ है एक्यूमुलेटर। तो ये मतलब प्रश्न है ना, इस तरीके से पूछता है वो। अब अपन ने कभी नहीं पढ़ा है ना तो अपन गलत कर देंगे कि मतलब कंप्यूटर के अंदर अस्थाई मेमोरी के रूप में कार्य कौन करता है। तो ऑप्शन में जैसे चार ऑप्शन दे दिए, वहाँ एक जगह मान के चले रजिस्टर दे दिया तो रजिस्टर उत्तर हो जाएगा, एक जगह दे दिया एक्यूमुलेटर तो एक्यूमुलेटर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये मैं येलो कर दूंगा, ये हो नहीं पाया था। फिर देखिए मेमोरी, मेमोरी की यदि बात करें तो मनुष्य के दिमाग में याद रखने की क्षमता होती है जिसे स्मृति कहते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा अथवा निर्देश को संग्रहित करने की क्षमता होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डाटा सूचना प्रोग्राम संग्रहित होते हैं अथवा आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध होते हैं। मेमोरी प्रत्येक कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ अपन रैम और रोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं करता। मेमोरी में संग्रहण करने के अनेक स्थान होते हैं जिनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। मेमोरी की क्षमता अथवा मेमोरी का आकार इन स्थानों की संख्या पर निर्भर करता है। मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान होती है जिसे क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं। यानी मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान होती है जिसे क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं। मेमोरी की यदि बात करें तो मेमोरी को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो मुख्य मेमोरी, एक होती है बाह्य मेमोरी। मुख्य मेमोरी को आंतरिक मेमोरी भी बोल सकते हैं, मेन मेमोरी, और बाह्य मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं। अब देखिए जब मेमोरी शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका आशय मुख्य मेमोरी से ही होता है जिसे प्राथमिक मेमोरी भी बोलते हैं। अब देखिए जो मुख्य मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है, और इसे मेन मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, आंतरिक मेमोरी भी बोलते हैं, प्राथमिक भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, अन्य नाम है इसके। तो देखिए प्राथमिक मेमोरी अथवा आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है मुख्य मेमोरी को। यह CPU का ही भाग होती है। यानी मुख्य मेमोरी कहाँ होती है, CPU में होती है। मुख्य मेमोरी तीव्र गति वाली होती है तथा प्राथमिक तथ्यों की संगणना प्रोग्राम में लिखित निर्देशों के अनुसार करती है। यह मध्यवर्ती अंतिम दोनों निष्कर्षों को संग्रहित करने के लिए भी प्रयुक्त होती है। मेमोरी एक अर्धचालक चिप होती है। क्या होती है, एक अर्धचालक चिप होती है। अब देखिए मुख्य मेमोरी को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो अस्थाई मेमोरी जिसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होगी स्थाई मेमोरी। तो देखिए रैम, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अस्थाई मेमोरी है। आपसे पूछ ले कि रैम है तो क्या है, अस्थाई मेमोरी। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग आने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड अथवा अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित होता है और CPU द्वारा वह आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में संग्रहित डाटा या निर्देश कभी भी एक्सेस किया जा सकता है तथा कभी भी पढ़ा एवं पुनः लिखा जा सकता है। रैम में संचित सूचनाओं को हम माइक्रोसेकंड के 10वें हिस्से में पुनः ग्रहण कर सकते हैं। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से क्या रहते हैं, संग्रहित रहते हैं। कंप्यूटर बंद करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर रैम में संग्रहित डाटा क्या हो जाता है, मिट जाता है। इसलिए रैम को क्या कहते हैं, अस्थायी व अस्थिर मेमोरी। अस्थिर को वॉयलेट भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, वॉयलेट। फिर देखिए स्थायी मेमोरी जिसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। यह मेमोरी स्थायी या स्थिर होती है, अतः कंप्यूटर को बंद, स्विच ऑफ करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर यह नष्ट नहीं होती। इस मेमोरी का उपयोग मूलतः निर्देशों के संग्रहण के लिए किया जाता है। रोम का उपयोग सबसे अच्छा उदाहरण है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम संग्रहित होता है। जब कंप्यूटर चालू
होता है तो वह इससे स्वतः ही सूचना ग्रहण कर बूट हो जाता है। रोम का उपयोग स्वचालित मशीनों, खिलौनों आदि में भी होता है। तो ये है रोम। रोम क्या है? स्थायी मेमोरी है, ठीक है। कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद, स्विच ऑफ होने जाने के बाद भी ये क्या है, काम करती है, यानी इसमें डाटा है वो स्टोरेज रहता है। फिर देखिए रोम तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोम, ठीक है। प्रोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पी आर ओ एम की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए कई बार है ना, ये इंग्लिश की जो स्पेलिंग होती है इनमें पढ़ने में मेरे से मिस्टेक हो तो आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर मेरा विषय नहीं है, बस मैं रुचि लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये अंग्रेजी है, इसमें अगर गलती हो तो आप थोड़ा प्रोनंसिएशन के लिए ध्यान रखना इस चीज़ का। तो प्रोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, किंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। तो देखिए प्रोम, प्रोम की क्या विशेषता है? ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, किंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। फिर देखिए ईप्रोम, ईप्रोम की यदि बात करें तो ईप्रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। इस मेमोरी को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। फिर है ईईप्रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में प्रोग्राम को आवश्यकता होने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जाता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। फिर है बाह्य मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी। तो डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए बाह्य मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसे द्वितीयक मेमोरी कहते हैं, जैसे कार्ड हो गया, जैसे मेमोरी कार्ड अपन लगाते हैं ना फोन में, वो बाह्य मेमोरी है, ठीक है। और कंप्यूटर सीपीयू के अंदर जैसे सीडी है, गोल वाली सीडी है, उसमें कुछ रिकॉर्ड कर लिया अपन ने, तो वो क्या होगी? वो बाह्य मेमोरी होगी। यह मेमोरी चुंबकीय अथवा प्रकाशीय होती है। इसमें संग्रहित डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है, जैसे पेन ड्राइव हो गई, ठीक है, ये बाह्य मेमोरी है। कंप्यूटर को बंद करने पर भी नष्ट नहीं होता। हार्ड डिस्क होगी, फ्लॉपी डिस्क होगी, मैग्नेट होगी, ये आदि द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण है। इन्हें द्वितीयक संग्रहण युक्तियां कहते हैं। फिर है मेमोरी की इकाई। तो इसकी यदि बात करूं तो मेमोरी की जो इकाई है, तो चलिए एक बार यहां से पढ़ देते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा प्रश्न यहां से कैसे आएगा। तो देखिए मेमोरी में सूचना बिट के रूप में संग्रहित होती है। बिट बाइनरी डिजिट से मिलकर बना एक शब्द है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बिट, ठीक है। मेमोरी में सूचना बिट के रूप में संग्रहित होती है। बिट बाइनरी डिजिट से बनकर बना होता है, यानी जीरो से एक की जो संख्या होती है ना, इसे बाइनरी डिजिट बोलते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। फिर देखिए डिजिट से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर की पूरी आंतरिक क्रिया बाइनरी अंक प्रणाली पर ही आधारित है। बाइनरी अंक प्रणाली में केवल दो ही अंक होते हैं, जीरो और एक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखिए ये मूल अगर अपन किताब नहीं पढ़ते हैं ना तो इन चीज़ों से छूट जाते हैं, और फिर है ना ऐसे लगता है कि हमारे ना आईसीटी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम बेसिक चीज़ें पढ़ नहीं रहे इसलिए समझ में नहीं आ रहा। फिर देखिए कंप्यूटर की पूरी आंतरिक क्रिया बाइनरी अंक प्रणाली पर आधारित होती है। बाइनरी अंक प्रणाली में केवल दो अंक होते हैं, जीरो और एक। एक बिट का जीरो अथवा एक, एक बिट का मान जीरो अथवा एक ही हो सकता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर यदि निर्गम आउटपुट के रूप में कुछ विभव हो तो उसे एक, अथवा विभव कुछ न हो तो उसे शून्य निरूपित किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में एक का अर्थ प्लस यानी उपस्थित है, और जीरो का मतलब, जीरो का अर्थ प्लस यानी अनुपस्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक का मतलब है कि उपस्थित है, जीरो का मतलब क्या है? अनुपस्थित है। कंप्यूटर में सभी डाटा जीरो अथवा एक में ही संग्रहित होता है, किंतु मानव द्वारा कंप्यूटर को सारी सूचना जीरो अथवा एक बिट के रूप में देना दुष्कर कार्य है। अतः उपयोगकर्ता कंप्यूटर को समस्त इनपुट अपनी ही भाषा में देता है। कंप्यूटर स्वयं उसे अपनी भाषा यानी बिट रूप में परिवर्तित कर लेता है। उदाहरण के रूप में कीबोर्ड पर जब ए को दबाया जाता है तो कंप्यूटर की मेमोरी, ये देख लीजिए वन के बाद कितने जीरो है, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक पर अंकित हो जाता है, ठीक है। यह बिट मेमोरी की प्राथमिक इकाई है, किंतु अत्यधिक छोटी होने के कारण प्रायः इसका उपयोग मेमोरी के मापन में नहीं किया जाता। सामान्यतः मेमोरी मापन में बाइट इकाई का उपयोग किया जाता है। तो यह ध्यान रखना, सामान्यतः मेमोरी मापन में किसका उपयोग किया जाता है? बाइट इकाई का।
फिर देखिए 8 बिट से मिलकर एक बाइट का निर्माण होता है। अब यहाँ ना मैं एक आपको टेबल दिखाऊंगा, उस टेबल को हमें याद रखना है, ये समझने के लिए अपन पढ़ रहे हैं। जिसे बाइनरी डिजिट मैंने आपको बताया बाइट है ये, तो 8 बिट से मिलकर एक बाइट का निर्माण होता है। बिट और बाइट के बीच की एक इकाई निब्बल है। एक निब्बल में 4 बाइनरी अंक होते हैं, अतः यह बाइट की आधी होती है। तो ये हमने पढ़ लिया, आपके याद रहा तो भी ठीक है, नहीं रहा तो भी ठीक है, ये यहाँ वाला इतना मैटर, बस आप इतना याद रखना कि बिट क्या है, ठीक है, और निब्बल क्या है, बाइट क्या है, यानी ये क्या है, मेमोरी की इकाइयाँ हैं, ठीक है, और 0 और 1 है, ये बाइनरी डिजिट है। इतना आपके ध्यान में आ गया। अब आपको कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बस वो आपको ध्यान में रखनी है, बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो यदि मैं बात करूँ तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बिट है। क्या है, बिट है, ये ध्यान रखना, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है। अब देखिए, मैं कुछ आपको टेबल के थ्रू इकाइयां बता रहा हूं, वो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए 4 बिट है ना, 4 बिट, 4 बिट ये किसके बराबर होती है, एक निब्बल के। निब्बल भी क्या है, आपको मैं बता चुका, एक मेमोरी इकाई है, ठीक है। तो 4 बिट है ये एक निब्बल के बराबर होती है, 8 बिट है ये एक बाइट के बराबर होती है, 1024 जो बाइट है वो 1 किलोबाइट के बराबर होती है, और 1024 जो एमबी है, 1024 एमबी, एक हजार चौबीस के बी आएगा पहले, 1024 के बी, यानी मैंने बोला था ना 1024 बाइट है वो 1 किलोबाइट के बराबर है, 1024 के बी है वो 1 मेगाबाइट के बराबर है, किसके, मेगाबाइट के बराबर है, ये नीचे अपन पढ़ेंगे भी। फिर देखिए 1024 एमबी है, एमबी यानी मेगाबाइट है वो 1000 गीगाबाइट के बराबर होती है, 1024 एमबी है ये किसके बराबर होती है, 1000 गीगाबाइट के। टेंशन मत लीजिए, नीचे ये दे रखी है अपन पढ़ेंगे, 1024 एमबी है वो 1000 1 गीगाबाइट के बराबर होती है, 1024 गीगाबाइट है वो 1 टेराबाइट के बराबर, 1024 गीगाबाइट है वो 1 टेराबाइट के बराबर, ठीक है, टेराबाइट के बराबर, ये यहाँ तक आप ध्यान में रखना, ठीक है। नीचे देखिए, अब देखते हैं अपन, तो ये यहाँ से शुरू करते हैं, जो मैंने बताना शुरू किया था ना वही चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। बिट, बिट ये क्या है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। बाइनरी अंक प्रणाली में इसका मान 0 अथवा 1 होता है। अब बिट है तो देखिए, बिट का मान क्या होता है, इसका मान 0 अथवा 1 होता है। फिर देखिए निब्बल, निब्बल की बात करें तो एक निब्बल है वो 4 बिट के समूह से बनता है, तो मैंने यही तो बताया था आपको, 4 बिट बराबर 1 निब्बल, तो ये निब्बल हो गया। फिर बाइट, तो तीसरी मैंने आपको इकाई बताई थी बाइट, बाइट है वो 8 बिट का समूह है, किसका, 8 बिट का, 8 बिट मिल गए तो बाइट इकाई बन जाएगी, यानी सामान्यतः एक करैक्टर, एक करैक्टर को एक बाइट में व्यक्त किया जाता है, यानी एक बाइट बराबर क्या होता है, 1 8 बिट, ठीक है, एक निब्बल बराबर 4 बिट। फिर देखिए किलोबाइट, किलोबाइट की यदि बात करें तो 1024 बाइट को 1 किलोबाइट कहा जाता है, यानी एक किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। मेगाबाइट की बात करें तो 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है, ठीक है, यानी 1 मेगाबाइट कहा जाता है 1024 किलोबाइट को। तो देख लीजिए 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। फिर देखिए गीगाबाइट, तो गीगाबाइट की यदि बात करें तो 1024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट कहा जाता है, तो 1 गीगाबाइट के अंदर 1024 मेगाबाइट होती है, ठीक है। फिर देखिए टेराबाइट, टेराबाइट की यदि बात करें तो 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 टेराबाइट कहते हैं। लास्ट में एक टेबल के थ्रू और बता दूँ आपको, ये आपके याद हो जाएगी। फिर देखिए 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट होता है। तो ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब यहाँ से समझिए, देखिए मैंने बताया था आपको कि जो मेमोरी की इकाइयाँ हैं उनको बिट, निब्बल, बाइट,
ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर आगे से आगे अपने आप आती जाएगी। तो 4 बिट है उस वो एक निबल के बराबर होती है, 8 बिट है वो एक बाइट के बराबर होती है, ठीक है। 1024 बाइट है वो 1 किलोबाइट के बराबर होती है, 1024 KB यानी किलोबाइट है वो 1 मेगाबाइट के बराबर होती है, 1024 मेगाबाइट है वो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, 1024 गीगाबाइट है वो 1 टेराबाइट के बराबर होता है, 1024 टेराबाइट है वो 1 PB यानी पेंटाबाइट के बराबर होता है। तो यहाँ तक अपन को ध्यान रखना ही नहीं है, बस ये 3-4 यहाँ तक ही आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ तक आप ध्यान में रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। फिर देखिए 1024 पेराबाइट बराबर होता है 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है 1 जिट्टाबाइट, 1024 जिट्टाबाइट के बराबर होता है 1 योटाबाइट, 1024 योटाबाइट के बराबर होता है 1 बाराउंटाबाइट, 1024 BB बराबर होता है 1024 GOP बाइट। तो ये यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। ये बढ़ता और घटता क्रम है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, यानी बिट है वो सबसे छोटी है, ठीक है। इसके बाद इससे बड़ी है बाइट, इससे बड़ी है किलोबाइट, और इससे बड़ी है मेगाबाइट। इस तरीके से आप बड़ी और छोटा क्रम है वो भी ध्यान में रखना। तो ये यहाँ तक अपना मैटर है वो कंप्लीट हो गया। अब कल अपन है वो पढ़ेंगे, आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये वाली जो संक्रिया है ना, ये ना तो हमसे होगी, ये हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ना इस पे दिमाग लगाना, ना हमारे प्रश्न उठेगा यहाँ से, ठीक है। ये सिंपल प्रश्न था, ये जो मैं बता रहा था ना, ये हार्ड जरूर लग रहा है आपको, ये जो अभी बताई थी मैंने ये, पर यहाँ से ना छोटा सा प्रश्न ऐसे पूछ सकता है वो, कि मतलब मेमोरी की सबसे छोटी का ही बिट और इनका क्रम पूछ ले, जैसे बिट उससे बड़ी बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, ठीक है, फिर गीगाबाइट। और ये सिंपल प्रश्न है, 4 बिट बराबर 1 निब्बल, 8 बिट बराबर 1 बाइट, ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए हमें अटपटा लग रहा है। तो ये संख्याओं वाला ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ना मेरे से पढ़ाया जाएगा और ना अपने काम का है। अपन कल सीधा यहाँ से पढ़ेंगे, बता देता हूँ आपको मैं, एक मिनट। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यहाँ से अपन कल पढ़ेंगे, और ये कल है ये लेसन मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा ही रहा हुआ है, ये कल मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा पूरा का पूरा ही।